वास्तु में मैं नीता जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में या शॉप में तिजोरी यानी कि कैश बॉक्स या फिर सेफ कहाँ रखा जाता है इसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, आज से कुछ साल पहले कई लोग अपने घर में काफी हार्ड कैश रखा करते थे, पर आज के ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल करेंसी के जमाने में घर में कैश रखना काफी कम हो गया है। पर आज भी घर में कुछ कैश तो जरूर रखा जाता है, इमरजेंसी के लिए, डेली पेमेंट्स और एक्सपेंस के लिए। इसी कैश को आपको सही दिशा में रखना है ताकि आपके पैसे अनवांटेड चीजों पे खर्च ना हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार तिजोरी रखने की सही दिशा कौन सी है, तिजोरी के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों को अवॉइड करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि तिजोरी रखने की सही दिशा कौन सी है। फ्रेंड्स, तिजोरी रखने का जो बेस्ट डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इसे नैऋत्य कोण भी कहते हैं। फ्रेंड्स, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व पाया जाता है। अर्थ एलिमेंट ये हर चीज को स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी प्रदान करता है, इसीलिए तिजोरी को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि आपके पैसों में भी स्थिरता बनी रहे। फ्रेंड्स, साउथ वेस्ट के अलावा आप साउथ यानी कि दक्षिण या फिर वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में भी आपकी तिजोरी रख सकते हैं, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट हमेशा बंद होना चाहिए और नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट खुला, और तिजोरी को हमें हमेशा बंद जगह पे ही रखना है। फ्रेंड्स, तिजोरी हमेशा नॉर्थ यानी कि उत्तर या फिर ईस्ट यानी कि पूरब की तरफ खुलनी चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि आपको तिजोरी ऐसे प्लेस करना है कि तिजोरी जब भी खुले तो तिजोरी के सामने नॉर्थ या फिर ईस्ट का डायरेक्शन हो। फ्रेंड्स, तिजोरी कभी भी साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ नहीं खुलेगी, क्योंकि इससे पैसों के फ्लो पर असर पड़ता है, पैसे अनवांटेड चीजों पर खर्च हो जाते हैं और सेविंग नहीं हो पाती यानी कि घर में पैसे नहीं टिकते हैं। फ्रेंड्स, अगर साउथ के डायरेक्शन में आपको तिजोरी रखना पॉसिबल नहीं है, यानी क्या कि साउथ के डायरेक्शन में आपका एंट्रेंस है या लिविंग रूम या टॉयलेट है, तब आप नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में भी तिजोरी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्थ डायरेक्शन ये कुबेर का डायरेक्शन है जो धन यानी कि वेल्थ के देखता है, इसीलिए नॉर्थ डायरेक्शन में भी तिजोरी रखा जा सकता है। पर यहाँ पर भी आपको ये बात एंश्योर करना है कि तिजोरी हमेशा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ खुले। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि तिजोरी के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, तिजोरी को हमेशा क्लीन, ऑर्गेनाइज और क्लटर फ्री रखिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी वही पर वास करती है जहां पर सफाई रहती है। फ्रेंड्स, हो सके तो तिजोरी में एक लाल कपड़ा बिछा कर फिर उसके ऊपर आप अपने कैश और डॉक्यूमेंट्स रखें। फ्रेंड्स, तिजोरी में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें और आपकी जो कैश और ज्वेलरी है उन्हें आपको अलग अलग रखना है। कैश और डॉक्यूमेंट्स को आपको एक के ऊपर एक रखने से अवॉइड करना है। फ्रेंड्स, हो सके तो तिजोरी में एक माँ लक्ष्मी जी की चांदी की कॉइन जरूर रखिए, इससे शुभ माना जाता है तिजोरी में रखना। फ्रेंड्स, तिजोरी के बाहर या फिर अंदर कुमकुम से एक स्वास्तिक जरूर बनाइए। स्वास्तिक ये बहुत ही प्योर और पावरफुल सिंबल है पॉजिटिव एनर्जी से अट्रैक्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि तिजोरी के लिए हमें किन बातों को अवॉइड करना है। फ्रेंड्स, आपके घर की तिजोरी को आप कभी भी पूरी तरीके से खाली ना रखिए, उसमें कुछ ना कुछ तो जरूर रखिए, आप एक कॉइन भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके घर में तिजोरी कभी भी अनस्टेबल नहीं होनी चाहिए, यानी कि हिलती डिलती हुई नहीं होनी चाहिए। अगर तिजोरी अनस्टेबल है तो उसे किसी तरह का सपोर्ट देकर उसे स्टेबल कर दीजिए। फ्रेंड्स, तिजोरी के एग्जैक्ट सामने आपको बाथरूम, टॉयलेट या फिर किचन को अवॉइड करना है। फ्रेंड्स, आपको तिजोरी को ब्रह्मस्थान
और बीन के नीचे रखने से अवॉइड करना है, क्योंकि इससे घर में और बिजनेस में अनवांटेड फाइनेंशियल स्ट्रेस आने की पॉसिबिलिटी होती है। फ्रेंड्स, तिजोरी के लिए आपको ब्लैक कलर अवॉइड करना है। आप कोई भी व्हाइट के शेड या येलो के शेड यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ इजी वास्तु टिप्स है तिजोरी के लिए। फ्रेंड्स, तिजोरी को लेकर अगर आपके कोई और क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखिए। फ्रेंड्स, वास्तु शास्त्र पर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो सजेशन जरूर दीजिए। तब तक के लिए शुभ वास्तु एंड हैप्पी लिविंग।